में आता है जब जीसस आता है। व्यवस्था का बंधन यीशु ने खोल दिया। तूने सिर्फ और सिर्फ यीशु पर भरोसा किया है। आप सभी मित्रों को, पार्टनर्स को, दर्शकों को मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि हाउ टू बिगिन योर डे। अपने दिन की शुरुआत आप कैसे करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करता हूँ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मैं कुछ डिक्लेरेशन करता हूँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जो उसने हमारे लिए किया है उसे मैं बोलता हूँ। जैसे फिलिपियों में लिखा हुआ है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हो गया। वो थकितों को बल देता है और मैं उकाबों की नाई उड़ूँगा। इन सब वचनों को बोलने से जब आर्थिक समस्याओं से गुजरता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार जो यीशु मसीह में है। और ये सब कुछ मैं लेटे लेटे बिस्तरे पर बोलता रहता हूँ। और तब जब मैं उठता हूँ तो मैं चाय का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। चाय जो है वो मैं अपने प्रेयर रूम में जाता हूँ, चाय को मैं पीता हूँ और फिर कहता हूँ गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तुझे मेरा गुड मॉर्निंग। और जब ये बातें मैं बोलता रहता हूँ ठीक उसी समय अपने मोबाइल को उठाता हूँ और उसमें कुछ वर्शिप सॉन्ग को मैं खोलता हूँ और इन वर्शिप सॉन्ग्स को, एक दो गानों को जो बहुत ही प्यारे गीत हैं, ग्रेट इज़ thy फेथफुलनेस ओ लॉर्ड माई फादर, वर्दी इज़ द लैम्प, कभी कभी कैथरीन कोलमैन का एक बहुत ही प्रिय गीत है प्रशंसा हो प्रभु महान। तो इस तरीके से कभी कभी डॉन मॉयन के गीतों को मैं सुनता हूँ और सुनते सुनते मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाता हूँ। फिर मैं मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता हूँ और तब मैं प्रार्थना करने लगता हूँ। फिर मेरी प्रार्थना चलती रहती है और मैं प्रतिदिन प्रभु भोज लेता हूँ। प्रभु भोज लेने के द्वारा मेरे हेल्थ पर उसका बहुत असर आता है, एक शुद्धता आती है, एक ताजगी आती है, मेरे मन का नवीनीकरण होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ये लाइफ स्टाइल उस समय से चल रही है जब से मैंने पवित्र आत्मा को पाया। जब डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन ने मेरा नाम पुकारा था उस समय से मैं भोर में उठना, प्रार्थना करना, अब तो मैं कभी कभी भोर में नहीं उठ पाता हूँ, मेरी उम्र हो रही है, लेकिन सुबह के समय परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना, ये प्रेजेंस ऑफ गॉड जो मुझे मिलती है यही मेरी मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी सीक्रेट है। मैंने पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में जान लिया है, वो मेरा मित्र बन चुका है। इसीलिए आपने देखा होगा सामर्थ की किताब को आपने पढ़ा होगा और सामर्थ की किताब जितने भी लोग पढ़ते हैं सब पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है। मेरे पास दो बाइबल है, आप देखिए ये एक मोटी बाइबल है, बहुत पुरानी हो चुकी है,
आई लव बाइबल। इन वचनों को मैं पढ़ता हूँ। बाइबल कैसे पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक को लेता हूँ और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती पढ़ता रहता हूँ। लेकिन ये वाली जो बाइबल है, प्रेम संदेश, ये नया नियम है, ये मेरे सिर के पास, मेरे सिरहाने बेड पर हमेशा रहता है। जब मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ता रहता हूँ। मेरा एक लक्ष्य है हर दिन कम से कम 10 अध्यायों को बाइबल के पढ़ना। इसे कहते हैं वर्ड सेचुरेशन। जब मैं वचन को पढ़ता हूँ तो वचन मुझे नहलाता है, वो मुझे शुद्ध करता है, परमेश्वर मुझसे बातें करता है। और आपको मालूम, इसी तरीके से जो संदेश आप शुभ संदेश पर सुनते हैं, टेलीविज़न पर सुनते हैं, उन संदेशों का जन्म परमेश्वर की उपस्थिति में होता है। परमेश्वर बहुत सी बातें हमें बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें। यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसका क्या मतलब होता है? यहोशू से परमेश्वर ने कहा रात दिन उस पर ध्यान करते रहना। रात दिन तो कोई बाइबल नहीं पढ़ सकता है, लेकिन आपको एक समय नियुक्त करना होगा। यदि आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो आप इवनिंग में करें। कभी कभी आप छुट्टियों के समय में रात में भी बाइबल पढ़ सकते हैं, दिन में भी बाइबल पढ़ सकते हैं। कभी कभी जैसा परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आप उपवास और प्रार्थना भी कर सकते हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना कर सकते हैं। और हाँ, जब आप किसी आत्मिक मीटिंग में जाते हैं या चर्च में जाते हैं या प्रेयर सेल में जाते हैं, तो आपको प्रार्थना की तैयारी के साथ जाना चाहिए। किसी भी चीज़ को परमेश्वर के लाइटली ना लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा आप जयवंत जीवन जी सकते हैं। मैं बोलता रहता हूँ धर्मियों के तंबू में जय जयकार होगी, और एक शब्द मेरे मुंह से हर दिन निकलता रहता है, आज का दिन महान दिन होगा। आज का दिन मैं हर काम करने जा रहा हूँ, जितने कामों में मैं हाथ लगाऊँगा वो सारे काम मेरे सफल हो जाएंगे। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, परमेश्वर के साथ जितना इंटीमेसी आप बनाएंगे, जितनी नज़दीकी आप बनाएंगे, जितना उसके नज़दीक रहेंगे, जितना उसके वचन में आएंगे, उतना ही आप प्रभावशाली बनेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो हमारे निकट आता है, वो हमारे पास आता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में हम बहुत आत्मिक बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको एक जीवन यात्रा, एक आत्मिक यात्रा, एक संबंधों की यात्रा, एक संसर्ग की यात्रा, एक संगति की यात्रा, ठहरना सीखें। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप ठहरते हैं तभी कुछ मिलता है। जल्दीबाजी में कुछ ना करें। और हाँ, यदि किसी दिन आप डिवोशन नहीं भी कर पाते हैं तो उसके लिए अपने आप को गिल्टी ना फील करें। कोई बात नहीं, हम भी बहुत यात्राएं करते रहते हैं, बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो हम दोषी अपने आप को मैं नहीं महसूस करते हैं। हमारा परमेश्वर धार्मिक कार्यों से नहीं प्रसन्न होता। हमारा परमेश्वर हमारी धार्मिकता को यीशु मसीह में होकर के देखता है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे इस छोटे से कार्यक्रम के द्वारा आप सीखेंगे कि परमेश्वर के साथ कैसे समय बिताएं। प्रार्थना करने के लिए आप अलग अलग तरीके से प्रार्थनाएं कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी के पीछे मैं बैठ जाता हूँ और मैं, एक घंटे की यात्रा है, 90 किलोमीटर की यात्रा, जैसे हम लोग रांची से गुमला जाते हैं, मैं प्रार्थना करने लगता हूँ। म्यूज़िक को खोल लेता हूँ, प्रेजेंस हो जाती है, और तब मैं उसमें कई बातों के लिए प्रार्थनाएं करने लगता हूँ। कभी कभी ट्रेन में भी मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। यदि हमारी ऊपर की बर्थ है तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। मैं धीरे धीरे प्रार्थना कर लेता हूँ, म्यूज़िक को वॉकमैन को लगा लेता हूँ, सुनता रहता हूँ।
यदि आप वॉकिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप अकेले हैं, देखिए परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और जब आप वॉकिंग कर रहे हैं तो आप डिक्लेयर करते रहते हैं, तेरा धन्यवाद ओ प्रभु, प्रेजिंग कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा तू मुझे, ये मेरा बहुत ही प्रिय गीत है और इसको मैं अक्सर गाता रहता हूँ जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। प्रभु की उपस्थिति मेरे चारों तरफ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप बाइबल के बहुत बड़े ज्ञानवान न बन पाएँ तो इसके लिए कभी भी अपने आप को दोषी मत महसूस कीजिएगा। बाइबल तो ज्ञान का भंडार है, परमेश्वर के वचन को आप जीवन भर पढ़ेंगे और जीवन भर अध्ययन करेंगे तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। मेरे मित्रों, वचन के संपर्क में आने से हम परमेश्वर के संपर्क में आते हैं, इसलिए बाइबल आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। बाइबल को जितना इनटेक करेंगे, ये एक तरीके का एनर्जी कैप्सूल है जो उसे लेते हैं। आत्मा को आप कैसे जागृत करेंगे, आत्मा को आप कैसे प्रभावशाली बनाएंगे, कैसे बलवंत होंगे? आज बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से तो बहुत बलवंत हैं लेकिन आत्मिक रूप से कोई बल नहीं है उनके अंदर। वो एक छोटी समस्या का सामना करने के लायक भी नहीं हैं और तुरंत हार जाते हैं। हमारे मनोबल को, हमारे आत्मिक प्रकाशन को पवित्र आत्मा इनलाइट करता है, ज्योतियों से भर देता है। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको यीशु मसीह के नाम में कि प्रकाशन कैसे आता है। प्रभु ने मुझे अन्य भाषा दी है और मैं अन्य भाषा में जब प्रार्थना करने लगता हूँ, ख़ास तौर से जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँगा तो गड़बड़ियाँ दूर हो जाती हैं। हम सब के जीवन में गड़बड़ियाँ आती हैं, कन्फ्यूज़न आता है, टेंशन आता है, बहुत कुछ होता रहता है हमारे आसपास और हम लगता है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसे समय में अन्य भाषा में प्रार्थना करें, शानदारा नारा बागाबाद शातारा रैया खाला बा, और जब उसमें आप स्विम करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में या कभी कभी उसी दिन परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। चेंज लाना आपके ऊपर निर्भर करता है और तब परमेश्वर जो कृपा का धनी है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद उंडेल देता है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने आप को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। वेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ मेरे मित्रों एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा, इसके लिए प्रभु के चरणों में बैठना होगा। मरियम क्या करती थी? मरियम यीशु के चरणों में बैठती थी। आपको मालूम है यहून्ना यीशु मसीह का प्रिय चेला कैसे बन गया? ही वॉज़ वेरी क्लोज टू जीसस। पतरस यीशु के बहुत नज़दीक था। एलिया और एलिशा के बारे में आप पढ़ते हैं, वे कहते हैं हम यहोवा के सम्मुख रहते हैं, जो यहाँ रहेगा, प्रेजेंस में रहेगा, उसे शैतान कभी नहीं छू सकता। एक बहुत बड़ी बात अब बोलने जा रहा हूँ और इसी के बाद मैं क्लोज करूँगा। शैतान आपसे डरने लगेगा। जितना अधिकार आपके जीवन में आएगा, जितने अधिकार के साथ आप काम करने लगेंगे, डेविल विल फियर यू। और इसीलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये वरदान दिया है, एक अनुग्रह दिया है कि मैं बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में निकालूं। प्रभु की स्तुति हो, सारी महिमा उसे यीशु के नाम।
Oh, he is wonderful Savior. Thank you, Jesus. Dhanyavaad. In the name of Jesus. I will walk in your presence. I will talk in your presence. I will swim in your presence. Teri karuna sada ki. Tera pyar sada ka. Aur tu jeevit hai Parmeshwar. Mere sath. मैं अपने शरीर को जीवित भावता बलिदान करके तेरी महिमा को ऑफर करता हूँ. लेट माई बॉडी बी ऑफरिंग फॉर यू. थैंक यू जीसस. मैं किसी बात से डरूंगा नहीं. शैतान इन सारी चीजों के सच्चाई में चलूंगा प्रभु. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद करता हूँ क्योंकि बद किए हुए मेमने के लहू के द्वारा हर नगर हर गांव बचाया जाएगा. तो आज मैं अपने दर्शकों को गिफ्ट के बारे में बताना चाहता हूँ. जब किसी का जन्मदिन मनाया जाता है तो लोग गिफ्ट देते हैं. किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है तो गिफ्ट देते हैं. एक साल में कुछ ना कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब हम एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं. गिफ्ट जो होता है वो हमारे प्रेम को दिखाता है, हमारी सराहना को दिखाता है, हमें दिखाता है कि हम उस व्यक्ति से कितना प्रेम करते हैं, उसका आदर करते हैं और उसके जीवन में जो कुछ उपलब्धियां आ रही हैं उसको हम कैसे अप्रिशिएट करते हैं. तो गिफ्ट क्या करता है? जैसे हम लोग अपने मिनिस्ट्री के अंदर सीड प्लांटिंग की बात करते रहते हैं, भेंट देने की बात करते रहते हैं, ऑफरिंग की बात करते रहते हैं, तो जब हम गिफ्ट देते हैं मिनिस्ट्री के अंदर सुसमाचार सुनाने के लिए तो उसका क्या असर होता है और बाइबल जो है वो गिफ्ट के बारे में हमें क्या सिखाती है. आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन और उसका 18 अध्याय 16 पद. नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान है और सुलेमान जो है उसको परमेश्वर ने बुद्धि तो दिया ही धन भी दिया. और सुलेमान ने जो शिक्षाएं नीति वचन के माध्यम से हम तक पहुंचाई हैं उनमें गहरे ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें छिपी हुई हैं. यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं और जीवन में मार्गदर्शन चाहते हैं तो उसके लिए नीति वचन की पुस्तक जो है वो बहुत ही आशीषित वचन है. तो आइए पढ़ते हैं नीति वचन 18 और 16. यहाँ लिखा हुआ है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है. ध्यान दें, मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुँचाती है. भेंट, गिफ्ट. याकूब का जब झगड़ा ये साव से हो गया और जब कुछ सालों के बाद याकूब जो था वो एसाव अपने भाई से जो नाराज था, क्रोध से भरा हुआ था, उससे मिलने के लिए जब जाने की उसने योजना बनाई तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि भेड़ बकरियों का एक झुंड जो है वो आगे भेज दिया. भेंट आगे आगे चली, याकूब पीछे पीछे चला. क्या तरीका है! क्रोध को एसाव के याकूब ने शांत कर दिया. भेंट जो है वो क्रोध को शांत कर देती है. भेंट जो है वो एक शिष्टाचार है, एक मैनर है, लोगों को जीतने का तरीका है. हाँ, यहां एक सत्य बोलना चाहूंगा कि भेंट देने के द्वारा आप परमेश्वर के
राज्य में घूस नहीं देते, वी डोंट ब्राइब गॉड, लेकिन भेंट देने के द्वारा हम परमेश्वर के हार्ट को छू लेते हैं। भेंट बहुत कुछ रास्तों को खोल देती है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कैसे महान लोगों से मुलाकात करते हैं, उनको गुलदस्ता भेंट करते हैं, उनके लिए अच्छे गिफ्ट खरीदते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग इधर उधर, मैं जब जाता हूँ मिनिस्ट्री के लिए, कितने लोगों ने मुझे सूट का कपड़ा दिया है, पैंट का कपड़ा दिया है, अच्छी बहुमूल्य चीज़ें दी हैं। एक बार तो मैं अम्बाला में था तो एक भाई ने मुझे सोने की अंगूठी पहनाई और बोला, ब्रदर आपकी सेवकाई के द्वारा से, आपकी सामर्थ पुस्तक को पढ़ने के द्वारा से मुझ पर कितना अभिषेक आया, और उस गिफ्ट के द्वारा उसके जीवन पर आशीष आने लगी। गिफ्ट जो है वो मनों को छू लेता है। गिफ्ट देने के द्वारा कई बार लोग एक दूसरे के पापों को क्षमा कर देते हैं। बहुत से लोग घायल हैं, चोट खाए हुए हैं, और जब वो गिफ्ट आती है, लोग हाथ मिलाते हैं, किस करते हैं, उनसे क्या होता है, चीज़ें बदलने लगती हैं। लव एटमॉस्फियर को क्रिएट करने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए गिफ्ट बहुत ज़रूरी है। तो सुलेमान राजा से मिलने के लिए शीबा की रानी आई, वंडरफुल। और जब शीबा की रानी उससे मिलने के लिए आई, पढ़ते हैं उसे पहला राजा और 10:1-11 कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वो तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से और लदे हुए ऊँट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया और कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही। यानी बाइबल कह रही है कि जो कुछ शीबा की रानी ने पूछा उसका उत्तर सुलेमान ने दिया। लेकिन शीबा की रानी ने कितना बड़ा गिफ्ट लेकर के वो आई, उस गिफ्ट से सुलेमान जो है को उसने जीत लिया। जीतने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक दूसरे को गिफ्ट दें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे मनाएं तभी गिफ्ट दें, ईस्टर मनाएं तभी गिफ्ट दें, क्रिसमस का समय आता है हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट बिना अवसर के भी दिए जा सकते हैं, और गिफ्ट देने से पारिवारिक वातावरण बहुत ही प्रेम से भरा रहता है। क्रिएट ए लव एटमॉस्फियर। शीबा की रानी ने सुलेमान को जीत लिया, और देखिए बाइबल बताती है कि जब शीबा की रानी लौट कर जाने लगी तो सुलेमान ने भी बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। गिफ्ट का आदान प्रदान कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और मैं आपसे और थोड़ी गहरे तरीके से बात करना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के राज्य में गिफ्ट लाते हैं, दान देते हैं, भेंट देते हैं, सीड बोते हैं, तो उसका भी प्रतिफल परमेश्वर देता है। अब जरा सोच करके देखिए जटामासी के इत्र के बारे में, वो एक गिफ्ट था और मरियम मगदलीन ने उसे उंडेल दिया। उंडेला क्या, उस जटामासी के इत्र को जो है उसने उस बोतल को ही तोड़ दिया, सब दे दिया। जब आप देने लगते हैं आपकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे ये प्रचारक लोग यूं ही पैसे की बात करते रहते हैं, गिफ्ट की बात करते रहते हैं, दान देने की बात करते रहते हैं। नहीं,
परमेश्वर के राज्य में जब हम बड़ी भेंटों को लेकर के आते हैं, हम परमेश्वर के दिल को छू लेते हैं। हाउ टू टच द हार्ट ऑफ गॉड, गिव फॉर हिम। सारपत की विधवा ने क्या किया? बाइबल में तो यह नहीं लिखा है कि उसने गिफ्ट किया एलिया को, लेकिन एलिया ने उससे क्या बोला, पहले रोटी मेरे लिए बना करके ले आ। जब आप पहले परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो आपके जीवन में हरियाली आने लगती है। इसहाक ने क्या किया? इसहाक ने अकाल के समय जोता और बोया और 100% हार्वेस्ट को पा लिया, फसल को पा लिया, सारी आशीषें उसके जीवन में आई। अच्छा, इसहाक ने ये लेसन जो है वो कहां से सीखा? अपने पापा से। अब्राहम जो था वो परमेश्वर को बहुत प्यार करता था। एक और बात बताऊं आपको, यदि आपके हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर को कभी दे नहीं सकते।